Assalamualaikum guys, welcome to my vlog. कैसे हैं? अच्छा तो मैं अपना vlog वहीं से continue कर रहा हूँ जहाँ से last end किया था. बस वापस आया हूँ अभी, थोड़ा सा rest किया है और उसके बाद अभी नहाया हूँ, shower लिया, change किया है एंड उसके बाद अभी रेडी हूँ एंड अभी बस बाहर जाने का प्लान है. वहाँ पर जाकर कोई लंच वंच करेंगे एंड उसके बाद में घूमेंगे फिरेंगे, कोई चर्च वगैरह वो भी देखना है, आईफिल टावर भी जाना है. तो खैर यू नो देर आर लॉट ऑफ प्लान्स. तो खैर बस अभी रेडी हूँ, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं. बाकी हमारे ग्रुपमेट्स भी रेडी होंगे, मामा वगैरह भी आ जाएंगी. तो खैर आपसे फिर आगे मिलते हैं. हाँ तो गाइस निकले एंड अभी जा रहे हैं हम चर्च. तो भूख लगी हुई है, यहाँ से कुछ पहले ले लेते हैं खाने के लिए बिकॉज लंच भी अभी तक नहीं किया. तो होपफुली कुछ यहाँ पर मुस्लिम मिल जाए हमें. तो मुझे तो लगता है यहाँ पर हमें क्रोइसेंट ही लेना पड़ेगा. तो ये ले लिया फाइनली, चलो गुजारा हो ही जाएगा. तो गाइस चर्च जा रहे हैं एंड ये बाज़ार है जो चर्च की तरफ जाता है, यहीं पर पेरिस में ही मिड में है. तो चर्च जाने के लिए हमें इस बाज़ार से गुजरना पड़ता है. तो गाइस ये हिस्टोरिकल चर्च है जिधर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर पहुँचे हैं. ये इनका एक लोकल बाज़ार टाइप है, यहाँ से होकर जा रहे हैं. तो आगे चर्च का व्यू भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो गाइस ये चर्च है, आप देख रहे हैं सामने. यहाँ पर काफ़ी वॉक करनी पड़ेगी, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी. यहाँ पर वॉक हो रही है अच्छी सी. ऐसे लग रहा है जैसे जंगल से होके रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ. तो हम यहाँ फाइनली चर्च के सामने पहुँचे हैं एंड ये देखिए हम कितना ऊपर आ गए. यहाँ पर पूरा पैरस आपको नीचे नज़र आ रहा है. तो खैर अभी आप भी और भी वॉक बाकी है. तो फाइनली पहुँच गए हैं चर्च और यहाँ पर रश भी आप देख रहे हैं काफ़ी है. हाँ तो गाइज फाइनली वॉक कितनी करने के बाद पहुँच गए हैं. पीछे आप देख रहे हैं चर्च, रोहित भाई भी मेरे साथ हैं, वैसे ट्रिप में ही हैं. तो खैर अभी तो यहाँ पर इतना पहुँचे, कोई पानी शानी थोड़ा लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी वॉक थी. तो खैर उसके बाद फिर अंदर चलते हैं चर्च के भी और आपको दिखाएं. यहाँ पर ये सब लव लॉक्स हैं लगे हुए, लोग आते हैं, कपल्स आते हैं तो वो लव लॉक लगाते हैं और ये चीज़ बिलीव रखते हैं कि ये थ्रू आउट द लाइफ साथ में रहेंगे. और या तो फिर इन लॉक्स को फेंक देते हैं कहीं पानी वगैरह में, या फिर मतलब कहते हैं कि उनका बिलीव होता है कि हर टाइम ये थ्रू आउट द लाइफ साथ रहेंगे. बट ऐसे भी अक्सर कपल्स देखे गए हैं जो बाद में इन लॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह उठा के वापस लॉक्स को तोड़ दें. तो चर्च के अंदर आ गए हैं एंड ये बहुत बड़ा चर्च है, ये आपको भी देख रहे हैं आप लोग. एंड बस अभी अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं. एंड यहाँ पर लोग डिफरेंट प्रे भी कर रहे हैं. आप देखें यहाँ पर कैंडल्स वगैरह भी लोगों ने जलाई हुई हैं. हर किसी का अपना तरीका है यहाँ पर प्रे करने का. तो यहाँ पर हम अंदर फर्दर जा रहे हैं. हाँ तो गाइस चर्च विज़िट कर लिया है, सही है, एक एक्सपीरियंस रहा, अच्छा था. बस अभी चले एंड आप पेरिस देखें सामने कैसे नीचे नज़र आ रहा है. हाँ तो गाइस चर्च से हो गए हैं फ्री एंड अभी जा रहे हैं वापस. तो अभी चल के देखते हैं आगे क्या प्लान है. आज आईफिल टावर भी जाना है और भी एक दो प्लान है. तो अभी खैर अभी चलते हैं आगे, फिर देखते हैं. तो गाइस वापस जाते हुए यहाँ पर से सोचा आइसक्रीम खाई जाए क्योंकि रश काफ़ी एंड काफ़ी अच्छी आइसक्रीम लग रही है. गाइस ऑर्डर तो कर लिया है मगर अब यहाँ पर प्रॉपर लाइन लगना पड़ेगा जाकर आइसक्रीम लेने के लिए. ये भी मेरे ख्याल में अच्छी खासी ख्वारी है. तो फाइनली लाइन कुछ आगे बढ़ी है एंड अभी काउंटर पर आ गए एंड अपनी बारी भी अभी आने वाली है. तो फाइनली आइसक्रीम आ गई है अपनी एंड काफ़ी डिफरेंट है, फ्लोर स्टाइल में बनी हुई है. तो चलो बस इसे खाते हैं एंड फिर आगे चलते हैं. हाँ गाइस तो आइसक्रीम खा ली है एंड अभी हम जा रहे हैं बोट राइड पर एंड बोट राइड करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद फिर टाइम बच गया तो फिर आईफिल टावर जाएंगे वरना फिर आईफिल टावर का कल का रखेंगे. तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, आपसे फिर आगे मिलते हैं. तो गाइज यहाँ से मिलेगी हमें हमारी बोट राइड की टिकट, तो उसके बाद वेट भी होगा थोड़ा. तो गाइज जब तक के बोट राइड स्टार्ट होती है हम यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने आए हैं, आईफिल टावर भी नज़र आ रहा है. तो गाइज बोट राइड का टाइम हो गया एंड अब हम बोट पर जा रहे हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी रश भी है यहाँ पर एंड आईफिल टावर भी देखें सामने नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है. हाँ तो गाइज बोट पर आ गए एंड अभी बस बोट राइड के लिए निकलने लगे हैं. अब बोट जैसे अभी फुल होगी तो फिर निकलेंगे एंड यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. इवनिंग का टाइम है तो ये बेस्ट टाइम है बोट राइड का. तो खैर अभी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं तो फिर अभी बस बोट राइड होगी एंड उसके बाद में फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है. तो गाइस चल रहा है बोट राइड एंड आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है बैक में एंड पीछे समंदर में, बहुत मज़ा आ रहा है. ठंड भी है, मैं टी शर्ट पहन के आ गया हूँ मगर फिर भी मगर मज़ा आ रहा है.
गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल व्यू है पेरिस में नाइट में, स्पेशली बोट राइड पर तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो गाइज बोट राइड इज़ अबाउट टू एंड एंड आप देख रहे हैं इस टाइम आईफिल टावर मेरे पीछे है, तो खैर बहुत मज़ा आया बोट राइड में भी, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया। तो खैर अभी चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, ये भी कोई डिनर शिनर करते हैं। हाँ तो गाइज राइड एंड हो गई है एंड अभी जा रहे हैं वापस एंड रश देखें कितना है, तो बस अभी चलते हैं एंड चल के कुछ डिनर का करते हैं बिकॉज भूख काफ़ी लगी हुई है। तो मुस्लिम देखते हैं रेस्टोरेंट, तो गाइज यहाँ पर ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम आए हैं अभी डिनर करने, तो यहाँ पर सुना है कि ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह भी मिलती हैं, तो चल के देखते हैं क्या सिस्टम है। तो गाइज ये देखें यहाँ पर दाल चावल वगैरह ये सब ट्रेडिशनल फूड्स हैं। तो गाइज मैंने तो खैर अपना बिरयानी शिरयानी डाली है थोड़ी, रायता भी। हाँ तो वापस होटल आ गए एंड आंटी एंड अरसलान भाई हमसे यहाँ पर मिलने हॉलैंड से आए हैं यहाँ पेरिस, तो अभी इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर अरसलान भाई वगैरह के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना घूमने फिरने गए हैं, यहाँ पर आंटी भी हैं अम्मी भी, हम लोग यहीं पर अपना रात में आउटिंग कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड यहाँ पर कुछ खाने पीने को आए हैं, हालाँकि पेट फुल था बट अरसलान भाई स्टिल हमें लेकर आए हैं, कहते हैं नहीं आप हमारे साथ भी खाना खाएँ। तो खैर यहाँ पर गपशप भी चल रही है एंड ये आ गया हमारा खाना, तो हमने फ्राइज़ एंड यहाँ पर फ्राइड चिकन वगैरह ऑर्डर किया था एंड उसके बाद में फिर अभी बस जा रहे हैं वापस क्योंकि लेट नाइट भी हो गई है एंड बस ये अरसलान भाई भी हैं, अम्मी आंटी पीछे आ रहे हैं, तो खैर अभी चलते हैं। चलो यहाँ पर भी हम लोग का फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है। बस आए बैठते हैं फिर उसके बाद में वापस चलते हैं होटल में। तो गाइज वापस जा रहे हैं, देखें रात के यहाँ पर 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, सड़कें कैसे सुनसान लगी हुई है पेरिस की, बिल्कुल खामोशी है, इससे ज़्यादा रश तो कराची में होता है रात में। खैर वापस जाने वाले लोग हैं ना, इस वजह से टाइमली सो जाते हैं। हाँ तो गाइज होटल आ गए हैं वापस, थक भी गया हूँ बट बहुत इन्जॉय किया, पहले चर्च गए फिर उसके बाद में बोट राइड किया, फिर अरसलान भाई वगैरह आए उनके साथ एंजॉय किया, तो खैर बहुत अच्छा दिन रहा आज का, होपफुली आप लोगों ने भी एंजॉय किया। तो इसके साथ मैं जब तक हूँ यहाँ पर अपने ब्लॉग्स बनाता रहूँगा रेगुलरली एंड आगे पीछे भी बना रहा होता हूँ, मगर यहाँ पर तो डेली ब्लॉगिंग करना पड़ती है क्योंकि लिमिटेड टाइम का ट्रिप है। तो खैर आपसे ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं सुबह, कल से कल न्यू ब्लॉग बनाऊँगा, तो तब तक लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।